नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीय। नोटबंदी के बाद भारत में बड़ी संख्या में कंपनियां बंद हुई हैं। बंद होने वाली कंपनियों की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा शेयर कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें कि मई 2019 तक भारत में रजिस्टर्ड 6,80,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। बंद होने वाली कंपनियां कुल रजिस्टर्ड कंपनियों का 36% है। सरकार के डाटा के मुताबिक देश में तकरीबन 1.9 मिलियन कंपनियां रजिस्टर्ड है। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने संसद में दी है। नोटबंदी के बाद से भारत में बड़ी संख्या में कंपनियां बंद हुई हैं। सरकार ने उन कंपनियों की पहचान करने और उन्हें बंद करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है जिन्होंने लगातार 2 वित्त वर्षों से अधिक समय से वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किए थे। यानी जिन कंपनियों की ओर से 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है उन्हें बंद कंपनी मान लिया जाता है। सरकार ऐसी कंपनियों को चिन्हित कर उन्हें कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 248(1) के अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर देती है। साल 2017-18 में इसमें 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद को दी जानकारी के मुताबिक देश में रजिस्टर्ड कंपनियों के बंद होने के मामले में दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे आगे है। दिल्ली में जहां 1,42,425 कंपनियां बंद हुई जबकि महाराष्ट्र में 1,25,937 कंपनियां बंद हो गई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में देश की आधे से ज्यादा बंद होने वाली कंपनियां शामिल है। एमसीए ने साल 2017-18 में करीब 2,20,000 कंपनियों को रजिस्ट्रेशन लिस्ट से हटा दिया था जबकि साल 2018-19 में 1,10,000 कंपनियों को इस लिस्ट से हटा दिया गया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।